आज जिस तरह आपने देखा कि नाट्य उत्सव ही चल रहा था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था, आज उसका कल्मिनेशन हुआ है दास्ताने रोनाथ को लेके। और बड़ा मर्मस्पर्शी ये नाट्य मंचन था जिसको देख के पूरा ऑडिटोरियम अभिभूत हो गया था। और जो 1857 में रोनाथ गांव में जो बताया गया है, जिस तरह वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिस तरह आम जनमानस ने खड़े होकर आवाज़ उठाई अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ, तो उसका बहुत ही एक ये अद्भुत मंचन किया गया। रोनाथ के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था, अभी कुछ समय पहले सरकार के प्रयासों द्वारा रोनाथ गांव को उसको पूरी मान्यता मिली है। तो मेरा मानना है कि आने वाली जनरेशन भी रोनाथ को पूरा याद रखेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाट्य उत्सव, 5 दिवसीय नाट्य उत्सव का समापन हो गया है और दास्ताने रोनाथ नाटक के माध्यम से आज इस नाटक उत्सव की समाप्ति हुई है। आज मुख्य अतिथि के रूप में मुकुल कुमार DC कुरुक्षेत्रा ने यहाँ पर भाग लिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल सचिव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय डॉक्टर संजीव शर्मा रहे। और बच्चों ने बहुत ही इत्मीनान के साथ, शिद्दत के साथ देशभक्ति के इस नाटक को सलाम किया और हरियाणा के उन वीरों को याद किया जिन्होंने देश को आज़ाद जो है करवाने में अपनी शहादत दी। और आगे फिर हमारा जो विभाग है UIM सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग और किसी कार्यक्रम में युवाओं को जोड़ेगा और उनको अपनी संस्कृति से जुड़े हुए अच्छे संस्कार देगा। भारत माता की जय।